राइट तो कैसे हैं मेरे सही दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे और नए वीडियो में। उम्मीद हम करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आपको ये ट्वीट मिल चुका होगा, कुछ घंटे पहले ये ट्वीट किया है ड्रैगन बॉल लेजेंड्स की तरफ से आया है। तो कल आप सबको पता है कल संडे को बैनर आने वाला है फ्रीजा का और कायोकेन गोकू का। मैंने लास्ट वीडियो में गलती कर दी थी, मैंने ये बोल दिया था कि फ्राइडे को आ रहा है, तो उस चीज को मैं इसलिए सॉरी यार। बट कल संडे को ये बैनर आएगा फ्रीजा का और कायोकेन गोकू का। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या समन करोगे उस बैनर पे, या सेव कर रहे हो या डेलीज करोगे, मुझे पढ़कर अच्छा लगेगा। बाकी आज की अगर हम ट्वीट की बात करें तो यार ड्रैगन बॉल लेजेंड्स वालों ने एक ट्वीट डाला जिसमें आप देख रहे हो कि सामने एक बंदा बेसबॉल मतलब ये गेम प्ले है तो यहाँ पर कैच कर रहा है और पीछे से कैचर है और उसको कैच कर रहा है और सामने इसको रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। पर जो बेसबॉल जो बॉल है आप देख रहे हो उसका जो ऑरा है वो ब्लू कलर का है कुछ। अब इसको जो रिलेट किया जा रहा है कि वो किया जा रहा है कि ये स्पिरिट बम हो सकता है, फ्रीजा उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे ऐसे हिंट आ जा रहे हैं। पीछे मैंने वीडियो में जो प्लेबैक किया हुआ है उसमें ये दिखाया होगा आपको कि ये वो आर्क है जहां पर बेसबॉल आर्क हो रहा था, जहां पर टूर्नामेंट नहीं बोल सकते, जहां चांपा की एक टीम होती है, वीरसमा की एक टीम होती है, दोनों में बेसबॉल का कंपटीशन होता है। राइट, आपने वो आर्क देखी होगी ड्रैगन बॉल सुपर की, तो वो बोला जा रहा है कि उस आर्क से रिलेटेड कुछ आ सकता है। राइट, तो उससे कोई फ्री करेक्टर आ सकता है। या अगर हम बात करें तो बेसबॉल से जब भी बात करते हैं तो इस बंदे का दिमाग में ख्याल आता है टाइटन्स यामचा करके जो है, और ये उसी आर्क से रिलेटेड है जहां पर इसको ये बेसबॉल गेम प्ले में भी इसके पास बेसबॉल होता है और एक गेम मतलब ये पीवीपी के लिए बिल्कुल नहीं बना है क्योंकि ये ऐसा ब्लास्ट कार्ड पे काउंटर करता है ऐसे बेसबॉल की तरह। तो ये आ सकता है, इसका जेनकाई आ सकता है, मतलब कहने का ये मतलब है। तो ये हो सकता है इसका जेनकाई काफी टाइम से मतलब आ सकता है, फ्री करेक्टर भी है। तो लेट सी क्या होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या ये फ्रीजा आ रहा है जो मतलब स्पिरिट बॉम्ब को रोकने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये टाइटन यामचा का जेनकाई आ सकता है, या कोई नए करेक्टर आ सकते हैं वो बेसबॉल आर्क वाले से जहाँ चंपा और वीरस का आपस में मैच होता है बेसबॉल का। तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या आने वाला है या क्या नहीं आने वाला है। जहां तक मुझे प्रेडिक्शन में लग रहा है, अगर मेरी मानो तो मुझे लग रहा है कि सर बेसबॉल वाले आर्क से कुछ आ सकता है। बट जब आप ये देखते हो तो यहाँ पर एक ऑरा होता है वो कुछ टाइप स्पिरिट बॉम्ब जैसा ही दिख रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वहां से कुछ करेक्टर आ सकते हैं। आई एम नॉट श्योर बट ऐसा लग रहा है कि शायद आ सकता है कुछ बेसबॉल आर्क से कोई फ्री करेक्टर आ सकते हैं। तो फिलहाल मेरी प्रेडिक्शन तो यही है, जैसे भी और भी अपडेट मिलेंगे हम आपको जरूर बताएंगे। हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी डिस्कॉर्ड की, वहां चले आना और अपने गेम से रिलेटेड जितने भी फ्लैक्स है वहां कर सकते हो। तो मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।